Hey guys, how are you? Hopefully you are fine. So welcome all of you at my channel Computer Code. तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो पेट शॉप हम बना रहे थे उसका रिमेनिंग लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लाइक समथिंग इस तरह की एक दो लिस्ट बनाई थी और उसके बाद हमने नीचे बॉटम नेविगेशन बार हम लोगों ने एक बनाई थी। तो आज की डेट में हम उसको सेट करेंगे और उसकी वैल्यूज़ किस तरह चेंज करेंगे ये देखेंगे। और अगली स्क्रीन पे ये जो हमारी ऐप आर है ये वाली और इस तरह का कुछ एक ऐप आर हम में बनाएंगे और उसके बाद देन इस तरह का एक सर्च के लिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और एक लिस्ट हम इस तरह की एक बना लेंगे जिसमें हमने देखेंगे कि जो न्यूएस्ट पोस्ट है इसके अंदर हम 3 जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे और बाकी जब वो सी आल पे क्लिक करेगा तो उसके सी आल पे क्लिक करने पे जो है आगे वो हम अगली स्क्रीन पे जो लिस्ट है वो सारी पास कर देंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो है जल्दी से हमारा कोड एडिटर जो है मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो वेयर इज पेट शॉप, सो दिस इज आवर पेट शॉप। आफ्टर दैट ठीक है ओके तो ये थोड़ा सा एनालाइजिंग होगी और एनालाइजिंग होने के बाद मैं साथ में हमारा जो एमुलेटर है मैं वो ऑन कर लेता हूँ। ओके डिटेक्ट, ठीक है डिटेक्ट कर लेते हैं खुद ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसने अभी भी अपनी एनालाइजिंग कंप्लीट नहीं की। तो एक दफ़ा ये एनालाइजिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो ये लिस्ट स्टैक कार्ड की थी, ठीक है। ये हमारी बॉटम नेविगेशन बार थी और इसका सबसे जो अच्छा तरीका है मैं ये एसेट्स को एक दफ़ा क्लोज कर देता हूँ। तो कॉमन विजिट्स और डिस्प्ले डॉक और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ बॉटम शीट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डार्ट फाइल बॉटम शीट, यहाँ पे वही सेम इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल। ओके तो देन इसके बाद इसको क्लोज करता हूँ और मेन स्क्रीन से ये जो बॉटम शीट है इसको मैं करूँगा क्लोज और क्लोज करके यहाँ से मैं इसको कुछ भी नहीं सिंपली ऐसा कट कर दूँगा। ओके यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊँगा कस्टम बॉटम शीट। सो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद में रखनी है कि ये जो हमारा मेथड होता है उसका फर्स्ट वर्ड इस्तेमाल होता है, बाकी सारे वो कैमल और कैमल केस चलते हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न और रिटर्न में ये हमारी बॉटम शीट को मैं कॉल कर दूँगा। यहाँ पे हमें कुछ एरर्स देंगे देखने को मिलेगा वेयर इज द एरर जी पी। ओके यहाँ पे मैं सेमी कॉलन सेट कर दूँगा और यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा कस्टम बॉटम शीट, सिंपल कुछ भी नहीं और करूँगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि ये हमारा लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज वैसे ही हमारा डिस्प्ले में होगा। ओके तो आप लोग ये देख लें, ठीक है। वो साथ में मुझे वैल्यूज प्रिंट तो करके दे रहा है लेकिन मैं इसको भी एट अ टाइम हमारी बॉटम शीट को कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा। ओके स्कैफोल्ड यहाँ पे बॉटम शीट और यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ और टाइटल शो सिलेक्टेड लेबल इसको मैं फाल्स कर दूंगा। ओके और इसको भी मैं फाल्स कर दूंगा शो अनसिलेक्टेड लेबल्स और इसको मैं दोबारा हॉट रीलोड करता हूँ और देखते हैं कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल होगा। रीस्टार्टेड ये आप राउटिंग देख रहे हैं नीचे राउट हो रही है। ओके तो अब मैं जिस पे टैप करता हूँ ठीक है तो वो अब हमारे यहाँ पे वो जो लेबल्स होगा वो हमें डिस्प्ले में नहीं आएगा। ठीक है तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने देखना है कि हमारी जिस चीज़ पे हम टैप करें उसकी जो है हमारे पास वैल्यू आ जाए। मैं जस्ट क्विकली जल्दी से आइकन सेट कर लेता हूँ। इसको मैं सबसे पहले हार्ट वाले को मैं कर देता हूँ होम स्क्रीन क्योंकि ये हमारी होम स्क्रीन होगी। जस्ट अ सेकंड। ओके इट टेक्स सम टाइम। जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि अगर कोई चीज़ पूछनी हो या इस तरह का ऐसा कुछ क्यूरी हो आप लोगों की तो। ओके तो ये हमारा होम का आ गया है। और सेकेंडली अगर मैं इमेज को देखूं तो सेकेंडली हमारा न्यूज़ फीड आ जाएगा। यहाँ पे मैं आज सजेशन नहीं दे रहा, आई थिंक ये नाराज़ हुआ। अगर हमारे पास साथ ये हमारा एडिटर ओके आइकन लाइब्रेरी बुक्स है। ठीक है यहाँ पे मैं लाइब्रेरी बुक्स कर देता हूँ। ओके यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स आ गई। ओके यू हाइट ओके लाइब्रेरी बुक्स और एंड पे ये जो है हमारा यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्सन क्योंकि प्रोफाइल है और पर्सन कर दूंगा। ये लोकेशन को लेके मैं डॉट यार सजेशन नहीं दे रहा आइकन डॉट। ओके तो ये कुछ नया है 4G 4K न्यूज़। वंस इट कंप्लीट दिखा दे कुछ भी दिखा दे। ठीक है यहाँ पे 10K का जो है मैं एक दफ़ा सेट कर रहा हूँ और इसको जल्दी से मैं रीस्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कि ये अब हमारे बॉटम से किस तरह विजिबल होगा। ओके तो ये हमारा होम है और ये हमारा जो है न्यूज़ फीड होगा। ये हमारा 10K और ये हमारा प्रोफाइल। ठीक है तो मैं सिंपली एज इट क्या करूँगा मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है ये हो गया। अब ये सिलेक्टेड वैल्यू इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अच्छा मैं एक और चीज़ देख रहा था यहाँ पे लॉग जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉग वैल्यू चेक करता हूँ ये हमें क्या देते हैं लॉग डॉट वैल्यू। ये एक अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि प्रिंट की बजाय अगर आप लॉग वैल्यू यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आई विल चेक टेस्ट करके देखते हैं। ओके तो ये रियल डिवाइस के लिए यूज़ होता है लॉक वैसे यहाँ पे नहीं होगा। ओके तो मैं यहाँ पे सिंपली एक हमारे पास कुछ लिस्ट थी ये स्टैक वगैरह। ठीक है तो इसके साथ मैं एक और लिस्ट जो है हमारी वो बना लेता हूँ जिसका नाम होगा बार बॉटम शीट लिस्ट और इज इक्वल टू नहीं, वो कौन से हो गए विजिट्स। स्क्रीन हमारी क्या होती है, विजिट्स ही होती है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन का नाम है वो क्या है, जस्ट अ सेकंड, होम स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड, देयर इज सम इशू। ओके, तो UI है यहाँ पे ये, और यहाँ पे स्प्लैश और मेन स्क्रीन, और मेन स्क्रीन से पहले मैं यहाँ पे क्विकली एक मैं एक बना लूँगा डायरेक्टरी जिसका नाम होगा स्क्रीन्स नेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम करूँगा स्क्रीन स्नैप। ओके, तो यहाँ पे जूम इन करता हूँ, यहाँ पे इम्पोर्ट फ्लटर मटेरियल, और यहाँ पे मैं क्विकली जो है स्टेटफुल विजेट ले लेता हूँ और इसको बोलता हूँ स्क्रीन नेव। ओके, तो ये एक्सेप्ट कुछ नहीं करेगा, और यहाँ पे ये जो है हमारा स्कैफर्ड आ जाएगा, और इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी बॉटम शीट। ओके, तो यहाँ की ये जो हमारे पास एक प्यारी सी हमने एक बॉटम शीट बनाई थी, वेयर इज बॉटम शीट, इसको मैं करूँगा क्लोज, और क्लोज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे इसको करूँगा कट, और कट करने के बाद जो है हमने स्क्रीन नैप बनाया था वो यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मेन स्क्रीन में हमारा इसका कोई काम नहीं होगा, इसको मैं सिंपली कर दूंगा रिमूव। ओके, तो एक तो हमारा ये काम हो गया, और उसके बाद दूसरा, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे एज इट में स्क्रीन कॉल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी एक वैल्यू दूंगा जो स्टार्ट में होगी, स्क्रीन की एक लिस्ट होगी वो दूंगा, और उसके बाद फिर वो चेंज जो है वो डायनामिकली चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ वार स्क्रीन लिस्ट इज इक्वल टू होपफुली देयर ओके विजिट्स, और यहाँ पे मैं जो है पहले सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन होगी मेन स्क्रीन, होम स्क्रीन इसका नाम है होम स्क्रीन, और यहाँ पे सेमीकोलन, और सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, और यहाँ पे की, और वो जो है एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी की में होम स्क्रीन। ओके, तो ये जो है हमारी होम स्क्रीन आ जाएगी, इसको मैं कॉस्ट कर दूंगा, और वेयर इज बॉटम शीट। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, ऑन टैब, और जब यहाँ पे वैल्यूज आती हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स जो है वो मैं सेट कर दूंगा, वो हम देख लेते हैं कि इंडेक्स हम किस तरह सेट करेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन लिस्ट विजिट, और जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है वो उसने मेन स्क्रीन को बनाना है तो होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं जो है इसके अंदर पास कर दूंगा वैल्यू। यहाँ पे ये हो जाएगा सेट होम स्क्रीन पे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं यहाँ पे बगैर टैप किए जो है मैं कॉल करूँगा इनिट स्टेट के अंदर, और इनिट स्टेट के अंदर मैं स्क्रीन लिस्ट, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा इंडेक्स 0। लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे हमें एक नेविगेशन जो है वो स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो है गेट डॉट ऑफ तो करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन नहीं आएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्रीन नैव आ जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा ऐसे ही रहने देता हूँ, तो इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सी के हमारे पास क्या आता है। होपफुली एरर्स देखने को मिल जाएंगे, अगर एरर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ठीक है, वो यहाँ पे आउट ऑफ इंडेक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमें वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं दे रहा। अब वो हमें डिस्प्ले क्यों नहीं दे रहा, इसको हम देखते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Okay, where is, oh sorry, here is supply screen. I just simply remove it. Okay. Where is home screen widget? Let me execute it again and see how we can call our screen. Okay, so it's not working. और वो वर्किंग क्यों नहीं कर रहा देखते हैं। ओके, स्कैफोल्ड है और एपर है। ओके, वेयर इज एपर? एपर को मैं क्लोज करता हूँ, इसको कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे वेयर इज एपर। कुछ एरर्स हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। इंपोर्ट, ओके जी, कॉस्ट इमेज लिस्ट डॉट प्रोफाइल। ओके, पहले इमेज लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है ये, और कुछ लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारी ऐप बार भी आ गई है और वेयर इज मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन से हमने ऐप बार मूव कर दी और यहाँ से हमने इसको होपफुली। गाइस सॉरी, आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा गलत हो गया था। हमें जो हमारी मेन स्क्रीन है, जो जिसमें हमारी ऐप बार वगैरह हम लोगों ने हर एक चीज़ सेट की हुई है, उसको सेम एज इट वैसे ही रहने देना। उसको हमने चेंज नहीं करना, अपनी मर्जी से जिस तरह हम उसको डिज़ाइन कर रहे थे वो हम डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो जो हमने नई स्क्रीन बनाई थी, स्क्रीन डॉट नैब, और इसमें स्कैफोल्ड था। ओके, तो मैं इसमें दोबारा से बता, स्कैफोल्ड था और इसमें स्कैफोल्ड के अंदर बॉटम बार कॉल कर रहे थे। बॉटम बार कॉल करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास स्क्रीन की एक लिस्ट होगी। तो जो मैं हूँ, क्विकली जो है मैं एक स्क्रीन की लिस्ट बना लेता हूँ। उसका नाम है लिस्ट विजिट और यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्क्रीन लिस्ट। दो तरह से आप बना सकते हैं, एक तो ये तरीका है हमारा जो है हमारे स्क्रीन की लिस्ट कॉल करने का। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर हमारा जो दूसरा मेथड है स्क्रीन्स डॉट होम स्क्रीन, होपफुली द एरर, नहीं कोई एरर नहीं दे रहा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या, ये हमारी स्क्रीन्स की एक लिस्ट है और एक ये है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना होता है, करंट एक इंडेक्स देना होता है और करंट इंडेक्स देने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक इंटीजर टाइप का वैल्यू देनी होगी, इंट, और इसको मैं रखता हूँ करंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट मैं इसकी जो वैल्यू दूंगा वो मैं करंट इंडेक्स की 0 दूंगा। ओके, सो वेयर इज बॉटम शीट, तो करंट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं जो हमारा प्राइवेट है करंट इंडेक्स में वो पास कर दूंगा, वो वाला मैंने वैल्यू दे दी। और जब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन टैब क्या फंक्शन है, तो मैं इसका ऑन टैब का अलग से चीज बना लेता हूँ फंक्शन। उसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रीन चेंजर और स्क्रीन चेंजर में क्या करूँगा, सेट स्टेट कर दूंगा और करंट इंडेक्स जो है मैं वो दे दूंगा और करंट इंडेक्स इज इक्वल टू जो टैब पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम पास कर देंगे और वो वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे मैं जो है वो वाली इंटीजर टाइप वैल्यू पास कर दूंगा। ओके, तो वो क्या करेगा, वो उसकी जो है करंट वो वैल्यूज़ जो है वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं ऑन टैब के फंक्शन पे क्या नाम रखा था हमने, सॉरी ये स्क्रीन चेंजर, और इसको एक वैल्यू चाहिए होगी जो कि बल्कि मैं इसको इस तरह सेम एज इट रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं करना और मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू वाया रेफरेंस वो ऑटोमेटिकली इसको दे देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा इससे ज़ीरो इंडेक्स को कॉल करेगा। तो हम इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल होगा। ओके तो ये राउट नेविगेट स्क्रीन, ओके वेयर इज द इशू जी। तो यहाँ पे तो हमने वैसे लिस्ट यूज़ कर रही, तो वो हमें यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये जो हमारा स्कैफर्ड है इसमें हमने बॉटम शीट वगैरह तो सेट कर दी, लेकिन बॉटम शीट सेट करने के बाद डिस्प्ले करने के लिए जो हमारा स्कैफर्ड है इसकी बॉडी के अंदर हमने कुछ भी कॉल नहीं किया। तो बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, वो वाली जो स्क्रीन लिस्ट है उसका जो इंडेक्स है मैं वो पास करूँगा, करंट इंडेक्स। तो क्या करेगा वो जो मैं करंट इंडेक्स जो होगा वो उसको पास करूंगा, तो वो उसकी वैल्यू क्या कर देगा, वो सेट कर दिया करेगा। अभी हम देखते हैं इसको मैं हॉट रीलोड करके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो दी हुई है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ये ज़ीरो देने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल हो रहा है। ओके तो इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, बाकी की मैं जो दो तीन स्क्रीन है, तीन चार स्क्रीनें हैं मैं वो बना लेता हूँ। एक ये मैंने एक मैं प्रोफाइल की बना लेता हूँ, एक दूसरी। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन्स को करूँगा क्लोज ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्रोफाइल और सेकेंडली न्यू फीड होम हो गया, प्रोफाइल हो गया, न्यू फीड हो गया, और चलें एक स्क्रीन का नाम रखते हैं पोस्ट। पोस्ट उसका नाम मैं रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक डार्ट फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक दफ़ा स्टेटलेस विजेट ही बना रहा हूँ, और फाइल यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा स्कैफर्ड, और बॉडी में जस्ट एक दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ सेंटर, और सेंटर के अंदर आ जाएगा चाइल्ड, और चाइल्ड के मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट की जो मेरे पास वैल्यू होगी यू एट प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पे। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा कॉस्ट सेट कर दूंगा क्योंकि सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ओके तो एक हमारा प्रोफाइल हो गया, और दूसरा हमारा ये पोस्ट को मैं बना लेता हूँ। ये भी मैं स्टेटलेस बना रहा हूँ। पोस्ट वेयर इज आवर प्रोफाइल, और यहाँ पे मैं ये रिटर्न में जो हमारा स्कैफर्ड वाला काम है मैं वही कॉपी पेस्ट करता हूँ यू एट पोस्ट, आप पोस्ट पे हैं। ओके तो ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी नेविगेशन वाली स्क्रीन है हम वहाँ पे आते हैं, और वेयर इज द लिस्ट, लिस्ट 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 ये रही हमारी लिस्ट। ओके तो यहाँ पे मैंने वो स्क्रीन्स के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ स्क्रीन्स ताकि एक प्रोफेशनली काम हो जाए। 2 3 4 ठीक है। एक ये फाइनल है, फाइनल एक होम स्क्रीन थी, होम स्क्रीन से हटके एक प्रोफाइलों वाली होगी, एक न्यूज़ फीड और एक पोस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं ये सारा डल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये कुछ एरर देगा। ओके जी, प्रोफाइल, ये हमारी प्रोफाइल आ जाएगी और यहाँ पे कुछ सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद यहाँ पे हमारे पास होगी की, और की क्या होगी, प्रोफाइल। ओके, ये कुछ एरर दे रहा है, वेयर इज एरर, कॉस्ट करके देखते हैं। जी, ये न्यूज़ फीड है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, की पास कर रहा हूँ, और की जो है मैं वो वही सेम मेथड ओके तो ये हमारा सेट हो चुका है। ये क्या है कि एड कॉन्स्ट, इसको फाइनल स्टैटिक, इसको मैं कॉन्स्ट करता हूँ, तो मुझे फाइनल को होपफुली रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, इसको मैं कॉन्स्ट करता हूँ, ग्रीन लाइन चली जाएगी जी। इसको भी कॉन्स्ट कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर अभी इनके कंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट है, इसलिए मैं इनको कॉन्स्ट कर रहा हूँ। अगर जब कंस्ट्रक्टर से हम कॉन्स्ट रिमूव करेंगे तो हमारा वो वाला कॉन्स्ट भी रिमूव हो जाएगा। ओके तो वेयर इज आवर nav, यहाँ पे आता हूँ। स्क्रीन्स, और इसके बाद जो है हमारे पास न्यूज़ फीड आ जाएगी, और न्यूज़ फीड आने के बाद स्क्रीन, डॉट पोस्ट, और पोस्ट के बाद आ जाएगा स्क्रीन डॉट प्रोफाइल। ओके तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आ गए हम लोग। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, वो इंडेक्स वो हमने यूज़ की हुई है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हमारा ये देखते हैं कि हमारा ये काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखे वो हमें शो कर रहा है कि आप न्यूज़ फीड पे हो। यहाँ पे आता हूँ तो वो आप एट योर पोस्ट, और यहाँ पे आता हूँ तो वो बोलता है कि आप एट प्रोफाइल हो। ओके तो ये हो गया। अब मैं मेरी होम स्क्रीन पे आते हैं, और होम स्क्रीन पे ये जो हमने एक अच्छी खासी प्यारी सी एक लिस्ट, लिस्ट जो हम लोगों ने बनाई थी, हाँ, डॉग यूनिक की हम सेंड कर रहे थे, डिस्प्ले पेट, साइज्ड बॉक्स, और ये हमने लिस्ट व्यू की यूज़ किया था। और लिस्ट व्यू में ये क्या था, एक एसेट्स जा रहा था, एक प्राइस जा रही थी, लुकिंग गुड, और सब टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ, ओके तो इसको ठीक है, मैं इसकी लिस्ट, बल्कि इसकी लिस्ट ही बना लेते हैं हम लोग। जो लिस्ट होगी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि प्रोफेशनल वे में काम करें। वार लिस्ट, डिस्प्ले पेट लिस्ट, इसका नाम ही हम लिस्ट का जो है हम रख देते हैं लिस्ट डिस्प्ले पेट इज इक्वल टू, और सेम वही काम वही वाला काम ही हम करते हैं। तो देयर इज हाँ इमेज यूआरएल ओके डिस्प्ले पेट लिस्ट ओके। तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें जा रही हैं, ओके सो दिस इज। तो इसकी अब हम एक बना लेंगे, मॉडल क्लास भी बना सकते हैं और विदाउट मॉडल आई थिंक मॉडल क्लास बनाना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रह जाएगा। डिस्प्ले पैट लिस्ट की हम एक मॉडल क्लास बना लेते हैं, कैटेगरी स्टैक कार्ट मैं एक मॉडल क्लास बना लेता हूँ। ओके तो ये है, और इसके बाद हमारी मेन स्क्रीन में हम देख लेते हैं एक इमेज जा रही है, एक प्राइस टैग जा रहा है, एक सब टाइटल जा रहा है और एक टाइटल जा रहा है इस तरह की। आई थिंक मैं देखूं हमारे पास कोई और जो है बनी हो, कैटेगरी टाइटल नहीं, टाइटल इमेज यूआरएल स्टैक मॉडल, लेकिन वो और चीज़ हो जाएगी। तो हम जो अपनी अभी बनाई हम वहाँ पर उसको ही हम यूज़ करेंगे। ओके तो string image URL ये चेंज नहीं होगा, टाइटल सब टाइटल प्राइस, चले प्राइस लेट मी चेक वहाँ पे कैटेगरी हो गया सॉरी। ये मैं सारी एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, कार्ड डॉक कार्ड लिस्ट ओके। तो ये क्या करेगा डिस्प्ले पैट ओके डिस्प्ले पैट है, ये मैं मैन मेन्यू में आऊँगा और प्राइस जो है मैं 250 हाँ ठीक है डबल में दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर जो है मैं वो बना दूंगा। एम्प्टी जा रहा है यूआरएल ओके। तो ये मैंने कुछ इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे दी, और सॉरी यहाँ पे फ्लटर मटेरियल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ठीक है हमारे पास सारा कुछ हो गया। तो हमारी लिस्ट किधर है लिस्ट किधर है लिस्ट 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 ओके वार डिस्प्ले, और यहाँ पे हम बता देंगे क्या नाम है डिस्प्ले पैट मॉडल। इमेजेस जो है मैं वो यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा सारी। प्राइस मैं $260 कर दूंगा। सबटाइटल मैं दे दूंगा वही सेम वही हमारा डॉग्स, और टाइटल जो है वो भी सेम ही कर देता हूँ हमारा डॉग्स। और इसको मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद क्या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। आई थिंक इतना बहुत है यार, इतने सारे मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो वेयर इज़ दिस टाइटल सब टाइटल साइज। ओके, तो न्यू पैट वो एक वो लिस्ट व्यू बिल्डर है, सॉरी हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक्सिस वगैरह श्रिंक रैप ट्रू रहने देंगे, स्क्रॉल डायरेक्शन डॉट बिल्डर। वेयर इज बिल्डर? ओके, तो ये हमें चिल्ड्रंस अलाउ नहीं करेगा, कोई बात नहीं। एक को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये हमने रिटर्न करना है, और रिटर्न करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये मैं डेल कर दूंगा, इसको एक बिल्डर चाहिए होगा। आइटम बिल्डर, मेरे पास आइटम बिल्डर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे एंटर एंटर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं ये पास कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन आ जाएगा, और सेमी कॉलन आने के बाद यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। लिस्ट डिस्प्ले पेट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, इंडेक्स डॉट इमेज यूआरएल। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो मुझे बार बार जो है एक काम रिपीट ना करना पड़े। और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, प्राइस टैग दे दूँगा, और यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा, और यहाँ पे मैं सब टाइटल दे दूंगा। ओह सॉरी, यहाँ पे सब टाइटल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टाइटल। तो ये लिस्ट बना के एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में भेजने का मकसद असल में ये होता है कि हमें लिस्ट के अंदर कहीं पे चेंजेस किए हैं, तो हमें जो उसको किसी और जगह पे हम एक्सेस करें तो वो चेंजेस जो हैं हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हों। बेसिकली जो मैंने ये वाला काम किया है ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है, इसके लिए भी हम एक अलग से क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास सारी लिस्टें पड़ी होती है, और उन लिस्ट को वहाँ से हम एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें नीड होती है वहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, और जहाँ पे चेंजेस होती है वहाँ पे वो चेंज हो जाता है, और उस लिस्ट के अंदर चेंज होता है, और वो फिर पूरी हर जगह वो जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो इस तरह का काम हम किस तरह करते हैं, हमारी जो लिस्टें हैं वो एक ही जगह पर हम फेंक देंगे, और उनको किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं। आइटम काउंट जो है मैं वो दे देता हूँ, लिस्ट डिस्प्ले पैट इज इक्वल टू ओ सॉरी डॉट लेंथ। ओके, तो लेंथ, और उसकी लेंथ जो है, बल्कि हमने लेंथ नहीं देनी यहाँ पे हमने कितने तक चलाना है, सिर्फ 3 तक चलाना है। तो हम यहाँ पे टोटल हार्ड कोडेड जो है मैं वो लेंथ दूंगा, और इसको दोबारा मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि अब ये हमारे पास किस तरह विजिबल होता है। ठीक है जी, तो ये देखें मैंने टाइटल में हवाना डॉग्स लिखा था, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज भी चेंज की थी, तो वो हमारा सारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह जैसे जैसे वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। इसका जो है वो न्यू वैल्यू ऐड हो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो हमें डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम इसको रिवर्स में हम कर देंगे, लेकिन वो एज पर हमारी नीड होगा। तो ये वाला काम हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि अब हम एक यही लिस्ट जब वो सी आल पे टैप करेगा तो वो नई स्क्रीन पे हमारे पास किस तरह विजिबल होगी। इसके लिए मुझे आना पड़ेगा न्यूज़ फीड पे। न्यूज़ फीड, और इसके अंदर हम कुछ एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग चाइल्ड है, ठीक है, ऐप बार। Joshua. Oh, yeah. Okay. Apple of बॉडी के अंदर ठीक है। अब हम इसकी ऐप बार देखते हैं कि ऐप बार में इसमें क्या है, जब लिस्ट है ठीक है। तो एक बैक का एरो है और एक न्यू पेट है और एंड पे एक ये हम आज ये बनाते हैं और लिस्ट सारी वो जो है मैं सारी की सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। तो एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लीडिंग आइकन start I don't know इसको आज क्या हुआ खड़ा है, नहीं मुझे सजेशन नहीं दे रहा, पता नहीं क्या मसला है। चले मैं यहाँ पे टेक्स्ट तो जो है वो सब सेट करूँ। टेक्स्ट के तो हमारा जो पुराना मेथड था हम उसको फॉलो करते हो वैल्यूज़ और यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में एक दो यूज़ की, इसको मैं कंट्रोल ही करता हूँ। और इमेज में क्या लिखा हुआ था हमारे पास, न्यूएस्ट पैट। स्पेलिंग को काइंडली इग्नोर कीजिएगा के सॉरी यहाँ पे मुझे स्मॉल करना है ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे स्टाइल लेटर मेरे ख्याल में यूज कर रहे थे, तुम कॉन्स्ट जरा रिमूव हो जाओ ताकि कलर स्टार्ट। यहाँ पे मैं ये ऑरेंज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह विजिबल होता है। ओके तो एक मिनट मुझे वो देख लेने। अच्छा इसका बैकग्राउंड जो कलर है डॉट वाइट और एलिवेशन इसकी 0 की गई है। ठीक है या मैं इसका एलिवेशन 0 कलर डॉट वाइट की बजाय कलर डॉट ट्रांसपेरेंट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिलोड। हाँ ठीक है अब अच्छा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया। और इसको मैं सेंटर में करने के लिए दो तरीके, या तो इसको सेंटर में हम रैप कर देंगे टेक्स्ट को, और लेकिन मैं रैप करने के बजाय सेंटर टाइटल इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में कर देगा। ओके तो यहाँ पे सेंटर में कर दिया और सेंटर में करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे एक्शंस होने चाहिए। वेयर इज टेक्स्ट, ओके एक्शन यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्शंस है, आइकन बटन, और इसको ऑन प्रेस्ड कुछ फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आइकन इनटू आइकन स्टार्ट मैं करूँगा तो आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, क्यों आज ही मुझे इस तरह कर रहा है। ये अच्छा फीचर है कि मैं जब भी एमुलेटर की तरफ जाता हूँ तो वो मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है। यार यहाँ पे मेरे ना आज ये एमुलेटर के अंदर कुछ इसके अंदर इशू आया हुआ है जो मुझे ठीक तरह से सारे ना आइकन्स सजेस्ट नहीं कर रहा। ओके अलर्ट आ गया। और यहाँ पे इसका मैं कलर दे देता हूँ कलर स्टॉट ग्रीन, और यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट्स इसका साइज सेट कर दूँ। ओ सॉरी, साइज में इसका दे देता हूँ 30, और इसको मैं कर देता हूँ कॉस्ट मैं देखता हूँ कि अभी मेरे पास किस तरह विजिबल होगा। ओके, तो मेरे पास साथ में ये आ गया और ये आ गया। ओके, तो ऊपर वाला जो है हमारी ऐप बार, सिस्टम देखते हैं किस तरह विजिबल होती है। ओके, तो ये अच्छा थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी ऐप बार ये जो है ब्लू हो गई है और ये न्यूएस्ट, ठीक है, नॉट बैड, अच्छी एफर्ट है। और इसको मैं कॉस्ट कर देता हूँ, विथ ओपेसिटी 0.5 करके देखते हैं। ओके, तो ये कॉस्ट मेरे ख्याल इसके लिए मुझे मूव करना पड़ेगा, तो ठीक है। हाँ, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो थोड़े से इसके अंदर ओपेसिटी भी आ गई और बहुत सारा कुछ भी आ गया, ठीक है। तो लीडिंग के लिए मैं यहाँ पे आइकन्स जो है मैं वो सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट लीडिंग। आइकन्स डॉट वेरी एरो बैक ये अभी तक होपफुली इसमें एरर ना हो। नहीं यार, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ। एरो आ गई, लेकिन वो उसका कलर चेंज है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ कलर स्टॉट ब्लैक, ताकि वो थोड़ा सा बैक का है वो हमें नज़र आ जाए। ठीक है, हमारे जो एरो बैक है वो उसका जो कलर है वो भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और ये तो दफा आ गया था सॉरी। और यहाँ पे मैं इसको स्कैफोल्ड है और सेंटर को मैं रिमूव करता हूँ। ओके तो ये हमारा मेन चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम एक छोटा सा एक और काम करेंगे, वो जो हमारा वेयर इज मेन स्क्रीन, ये क्या नाम था हमारा, डिस्प्ले लिस्ट, इसको हम इधर भी कॉल करेंगे। बल्कि मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। और जी अब हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर किस तरह पास होती हैं। तो वैल्यूज़ पास करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा और वेयर इज़ लिस्ट कार्ड नहीं, जी तो मैंने बोला था ना मैं आपको लिस्ट जो है, मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ लिब है और यहाँ पे मैं एक क्लास बना डायरेक्टरी बनाता हूँ। लिस्ट्स बल्कि लिस्ट फोल्डर के नाम से। और यहाँ पे जो है क्लास लिस्ट होल्डर स्टैटिक कॉस्ट पैट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वेयर इज लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट को यहाँ से करना पड़ेगा कट। और ये आ गया मेरा लिस्ट होल्डर और लिस्ट होल्डर में मुझे ये इशूज देगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया तो मेरा इशू चला जाएगा। और बाहर की बजाय मैं static const, ओके तो must be const, इनको const कर देते हैं, चले const रहने देते हैं, हम just static करते हैं, constant रहने देते हैं, const नहीं चाहिए। तो ये हमें error दे रहा है और क्यों दे रहा है, वो ये हमें बोलता है कि इसको ज़रा आप डिक्लेयर करें कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर कहाँ पे गई हुई, हाँ मेन स्क्रीन, यहाँ पे क्या हम करेंगे, क्या नाम रखा था मैंने उसका, लिस्ट होल्डर, लिस्ट होल्डर डॉट कर दूंगा तो वो ये आ जाएगी, ठीक है। ये इतना सा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा सबके साथ, ठीक है, तो वो हमारी लिस्ट वहाँ पे पड़ी है स्टैटिकली, वो वहाँ पे उसको जो भी चेंजेस करेंगे हम वहाँ पे कर लेंगे। तो एक तो यहाँ पे हमारी तीन डिस्प्लेज में ये आ जाएंगी। दूसरा, अब मैं ज़रा स्क्रीन्स वाली साइड पे जाता हूँ ताकि जब हम उस पर एज अ स्क्रीन्स में जाएँ। ओके, न्यूज़ फीड, हाँ यही थी न्यूज़ फीड, कंट्रोल बी, और यहाँ पे इसको हम एक, यहाँ पे ये कॉस्ट है, इसको रिमूव करूँगा तो वहाँ पे भी मुझे एरर मिलेगा, लेकिन क्या करें। डिस्प्ले पेट मॉडल, इसको एक लिस्ट चाहिए होगी जो डिस्प्ले लेस पेट मॉडल्स की होगी। ओके, वेयर इज लिस्ट होल्डर, इसको मैंने कहाँ से, डिस्प्ले पेट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट, बल्कि यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें पास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास लिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी है। तो वही काम, कंट्रोल बी, ठीक है। आपको ज़रा मैं इंपोर्ट कर लूँ, यहाँ पे भी वैल्यू पास करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हो गया हमारा काम सारा। डॉट लेंथ, ठीक है, तो वो उसकी जितनी भी लेंथ होगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। स्क्रीन्स लिस्ट, वेयर इज स्क्रीन्स, जी बिल्कुल, आपने मुझे एरर देना था, मुझे पहले ही आइडिया था। तो इसको मैं फाइनल कर दूंगा तो मेरा एरर गॉन, और इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अब ग्रे हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये, यहाँ पे आता हूँ तो वो हमारे सारे डॉग्स जो हैं हमें अवेलेबल हो गए। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर कुछ सजेशन चाहते हैं तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने, लाइक और कॉमेंट करने में होपफुली आप लोगों के पैसे नहीं खर्च होंगे, जस्ट कपल ऑफ नैनो सेकेंड्स लगते हैं, कपल ऑफ नैनो सेकेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें मुझे, इससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है। और मेरी एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे होगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि जी यूट्यूब पे आके सर्च करना पड़ता है बार बार, तो वहाँ पे आपको मेरी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।